गर्मियों के दिन होते हैं और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही होती है और पंछी बाहर बैठे बातें कर रहे होते हैं। इस साल तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ऐसे लगता है जैसे सूरज आग बरसा रहा हो। हाँ, और उल्लू भाई बता रहा था इस साल तो बारिशें भी बहुत ज्यादा पड़नी है। बुलबुल चिड़िया चुप करके सबकी बातें सुनती है। वो बहुत परेशान होती है और घर आ जाती है। मामा, आप मुझे परेशान लग रही हैं, क्या हुआ है आपको? बेटा, बाहर सब परिंदे बात कर रहे थे कि इस साल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी और बारिशें भी बहुत ज्यादा होंगी। हमारे घर की छत बहुत कमजोर है, इसमें धूप भी ज्यादा अंदर आएगी और बारिश का पानी भी घर के अंदर आ जाएगा। फिर तो मामा आप जल्दी से घर की छत को ठीक करवा लें। हाँ बेटा, मैं जल्द ही कोई बंदोबस्त करती हूँ, तुम परेशान ना हो। बेटा, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, तुम्हें भूख लगी हो गई, तुम अपना ख्याल रखना। मीनू चिड़िया देखती है बुलबुल चिड़िया बहुत परेशान दरख्त के ऊपर बैठी है। बुलबुल, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मीनू, मैं बहुत परेशान हूँ, आगे बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है और मेरे घर की छत बहुत कमजोर है। बुलबुल, तुम परेशान ना हो, तुम मजदूर कव्वे से बात करो, क्या पता वो तुम्हारे घर की नई छत बना दे। मीनू, मेरे पास तो नई छत बनवाने के पैसे भी नहीं है, यही तो ज्यादा परेशानी की बात है। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, तुम ऐसा करो कव्वे से बात कर लो, फिर तुम आहिस्ता आहिस्ता उसको पैसे दे देना। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, मैं कव्वे भैया से बात करूंगी। चलो आओ, अब हम अनाज ढूंढने चलते हैं, मेरी बेटी अकेली घर है और उसे भूख लगी है। और फिर मीनू और बुलबुल दोनों अनाज ढूंढने के लिए चली जाती हैं। उनको गंदम की फसल नज़र आती है, वो गंदम के दाने तोड़कर घर लेकर आती है। बुलबुल चिड़िया और उसकी बेटी दोनों मिलकर खाना खाते हैं और फिर वो दोनों सो जाते हैं। और फिर रात को एकदम से बारिश होना शुरू हो जाती है और बुलबुल चिड़िया के घर की छत टपकना शुरू हो जाती है और उसके घर के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। बेटा, मैं मजदूर कव्वे के पास जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, घर से बाहर बिल्कुल नहीं आना। और फिर बुलबुल बारिश में ही मजदूर कव्वे के पास जाती है। कव्वे भैया, मेरे घर की छत बहुत कमज़ोर है, सारा बारिश का पानी मेरे घर में जमा होना शुरू हो गया है, क्या आप मेरे घर की नई छत बना देंगे? मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता पैसे दे दूंगी। अरे बुलबुल, ऐसा थोड़ी होता है, मुझे घर की छत बनाने के लिए सीमेंट और ईंटे चाहिए, वो मैं कहाँ से लाऊंगा? पहले तुम पैसों का इंतजाम कर लो, फिर मेरे पास आना। कव्वे ने भी बुलबुल की मदद करने से इनकार कर दिया था। बुलबुल बहुत परेशान होती है और वहाँ से चली जाती है। बारिश अब और तेज़ होना शुरू हो जाती है और बादल भी गरजने शुरू हो जाते हैं। बुलबुल चिड़िया एक दरख्त के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लग जाती है। अरे ये क्या, कोई चिड़िया बाहर दरख्त पर इतनी बारिश में बैठी हुई है? चिड़िया, बारिश बहुत तेज़ है, तुम अंदर मेरे घर आ जाओ जब तक बारिश नहीं रुकती। पिंकी चिड़िया बुलबुल चिड़िया को अपने घर के अंदर ले आती है। जब तक बारिश हो रही है तुम मेरे घर आराम से रुक सकती हो। मैं अपनी बेटी के लिए परेशान हूँ, वो घर पर अकेली है और मौसम भी बहुत ज्यादा खराब है। तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। दूसरी तरफ बुलबुल चिड़िया की बेटी बहुत परेशान होती है। बुलबुल चिड़िया के घर के अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाता है। मामा, मामा आप कहाँ हो, जल्दी आ जाओ मामा, मुझे डर लग रहा है। जैसे ही बारिश थोड़ी आहिस्ता होती है बुलबुल चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। बुलबुल चिड़िया जब घर के पास पहुंचती है तो देखती है वहाँ ना तो बुलबुल चिड़िया का घर होता है और ना उसकी बेटी। बुलबुल चिड़िया का घर पानी में बह चुका होता है। बुलबुल चिड़िया बहुत रोती है। बुलबुल अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान होती है। शुक्र है बुलबुल तुम आ गई। बुलबुल तुम कहाँ थे, तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया था, मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर ले आई थी और तुम्हारा घर पानी में बह गया। शुक्रिया मीनू, तुम मेरी बेटी को अपने घर ले गई, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान थी। बुलबुल अपनी बेटी को अपने गले से लगाती है और अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होती है। बुलबुल बारिश में ही अपनी बेटी को लेकर अपने लिए घर ढूंढने निकल जाती है। बुलबुल को जंगल के पास एक खराब बस नज़र आती है। बुलबुल चिड़िया उसी को साफ करके अपना घर बना लेती है।